और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, एनडी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पंजाब में समझौता नहीं होगा। कल हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पंजाब को लेकर दोनों ही पार्टियों की स्थानीय इकाई कोई समझौता नहीं चाहती है, लिहाजा फिलहाल पंजाब पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और यहां कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में यहां बातचीत नहीं बनी है, ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पंजाब को लेकर पहले दौर की जो बातचीत हुई उसमें यहां कोई चर्चा नहीं की गई। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करते हैं। विक्रांत, अब क्या होगा आगे कांग्रेस के सामने, ये जो चुनौती है उसमें कोई हल निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, पंजाब को लेकर के दोनों ही पार्टियों की जो राज्य इकाई है वो समझौता नहीं करना चाहती है, और इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि गठबंधन को लेकर कोई रार फंस गई है, बल्कि दोनों ही पार्टियों को ये लगता है कि अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल दोनों पार्टियों को ये लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। अगर इनमें किसी तरह का कोई समझौता होता है तो एक तीसरे दल को वहां पर पंजाब की हालत में वो अकाली दल या बीजेपी हो सकता है, उसे मजबूत होने में फायदा मिल सकता है। इसलिए अभी फिलहाल की परिस्थिति में किसी तरह का गठबंधन करने का फायदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये होगी कि आप दिल्ली और बाकी जगह समझौता करना चाहेंगे और पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे तो कैसे जनता को संदेश दे पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, कल की बैठक में पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही दल के जो स्थानीय इकाई है वो चाहती है कि समझौता ना किया जाए, अलग अलग लड़ा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से ये जरूर कहा है कि वो दिल्ली के अलावा गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में और असम में भी हिस्सेदारी चाहती है, वहां पर भी सीटें चाहती है। कितना कांग्रेस दे पाती है, क्या दे पाती है, इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसी अलायंस कमेटी कल इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि सिर्फ उसी पर चर्चा होगी, इसी कारण दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली को बुलाया हुआ था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में दोनों पार्टियों के बीच दोबारा से बातचीत हो, और इसमें ये जो बातचीत, जो प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है उस पर आगे की चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर विक्रांत हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी ये कि पहले दौर की जो बातचीत हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, उसमें पंजाब को लेकर कोई समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा, और ये स्थानीय इकाई की तरफ से बात कही गई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इससे फायदा पहुंचेगा। हालांकि अभी और भी कई दौर की बातचीत होगी, आगे क्या इसको लेकर बात बनेगी इस पर भी नजर आएगी।